फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती है जिन्हें गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से खाना चाहिए, क्योंकि सब्जियों में विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और कैल्शियम, आयरन इत्यादि पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो आज बात करूंगी प्रेगनेंसी के दौरान परवल सब्जी खाने के बारे में। परवल की सब्जी प्रेगनेंसी के दौरान खाना सुरक्षित होता है। प्रेगनेंसी के दौरान पाचन क्रिया गर्भवती महिलाओं की काफी धीमी हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसके कारण गर्भवती महिलाएं कुछ भी खाती हैं तो इससे उनके पेट में कब्ज की समस्या उन्हें बन जाती है, पेट में गैस बन जाती है, जलन होने लगती है और पेट दर्द भी रहने लगता है। तो ऐसे में परवल की सब्जी आपको फायदा पहुंचा सकती है। परवल में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, फाइबर, फास्फोरस होता है, तो इसका सेवन आप जरूर करें। और दोस्तों, इतना ही नहीं, ये सब्जी खाने से इस दौरान अगर आपको भूख इत्यादि की समस्या हो रही है, आपको भूख नहीं लगती है, तो ये भूख न लगने की शिकायत को भी दूर करता है। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड इन्फेक्शन जैसी समस्याएं भी हो जाती है और ये बहुत ही ज्यादा घातक गर्भवती महिलाओं के लिए हो सकती है। ऐसे में दोस्तों, परवल की सब्जी आप जरूर खाएं, क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं, जो बॉडी में ऊतकों को साफ करके और ब्लड की सफाई करने में काफी मदद करते हैं और इनमें मौजूद विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। परवल में कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद होता है, जो गर्भवती महिलाओं की हड्डियों को मजबूत करने के साथ साथ गर्भ में पल रहे शिशु के बेहतर विकास के लिए काफी मददगार होता है। और जैसा कि इस दौरान गर्भवती महिलाओं को काफी कैल्शियम की कमी भी हो जाती है, तो आप इस दौरान परवल की सब्जी का सेवन जरूर करिए। इस दौरान महिलाओं की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी कमजोर हो जाती है और गर्भवती महिलाओं को इस दौरान अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ही ज्यादा मजबूत करना होता है, क्योंकि अगर इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है तो इससे गर्भ में पल रहे शिशु को संक्रमण होने का खतरा हो जाता है। तो इस समस्या से बचने के लिए आप परवल की सब्जी जरूर खाएं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल इस दौरान गर्भवती महिलाओं का अन्य से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो इसको नियंत्रित रखने के लिए आप ऐसी चीजों का सेवन करिए जिनमें कैलोरी की मात्रा कम होती है। तो परवल का सेवन गर्भवती महिलाएं इस दौरान करती हैं तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में ये काफी मददगार होता है। तो दोस्तों, परवल की सब्जी आप गर्भावस्था के दौरान जरूर खाइए, लेकिन बहुत ज्यादा इसका सेवन ना करें, क्योंकि इससे कभी कभी पेट खराब होने की समस्या भी हो सकती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस में डालूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।